हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। आवर टुडे टॉपिक्स लोकल गवर्नमेंट। सवाल उठता है ना क्या कि लोकल गवर्नमेंट, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या है और लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ा सरकार को? क्या लोकल गवर्नमेंट जो है होना जरूरी है? देखिए, यहां तो लोकल गवर्नमेंट हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपसे भी मेरा एक सवाल है कि लोकल गवर्नमेंट होना जरूरी है या नहीं, यह आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर भेजिएगा, क्योंकि आज का जनरेशन क्या सोचता है यह भी जानना जरूरी है। इतिहास को पढ़ना भी है, समझ रहे ना, जो पहले बना है उसको पढ़ना भी है, उसको अमल भी करना है, बट प्रेजेंट टाइम में ये जरूरी है कितना और कितना जरूरी नहीं है, इस पे भी ध्यान आपको देना है, तभी आपका जो पढ़ाई है सही मायने में पढ़ाई कहलाएगा, समझ रहे ना। तो चलिए टॉपिक्स पे। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क आपको पता है। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को अकेले नहीं विकास के राज पे ले सकता है। कहने का मतलब, पूरा इंडिया इतना बड़ा है तो खुद वो पूरे इंडिया को नहीं कवर कर सकता है, मेंटेन नहीं कर सकता है, उसके शासन प्रशासन या डेवलपमेंट को खुद नहीं संभाल सकता है, तो आते हैं स्टेट पे। तो यही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो आता है उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट जो होता है, जिसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं, शासन कहते हैं, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट जो होता है आपका स्थानीय शासन, वो क्या है उसी के बारे में हम लोग पूर्ण डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स है आपका वो यही है टॉपिक्स, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट ये आपका टॉपिक्स है, और लोकल गवर्नमेंट को हम लोग दो भागों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा नगरीय क्षेत्र, जिसको सिटी बोलेंगे, रूरल एरिया बोलेंगे, ठीक है। ये आपका अमेंडमेंट 73 और ये 74 अमेंडमेंट है, लेकिन अमेंडमेंट को जानेंगे कि ये अमेंडमेंट कब हुआ और क्यों हुआ। उससे पहले हम लोग समझ रहे थे कि थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो लोकल गवर्नमेंट को हम आप ही के भाषा में, ऑफिस के भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी भाषा, आपके घर का नली टूट, आपके गली का नली टूट जाए, आपके गली का रोड खत्म हो जाए, आपके गली में लाइट नहीं आएगा, आपके गली में पानी की प्रॉब्लम है, आपके गली में कोई छोटा मोटा आपसी जमीनी विवाद है, समझ रहे ना, आपके गली में लोकल स्कूल में आपके गली के, ये समझने योग्य बात है, ध्यान से समझिएगा, आपके गली में लोकल स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल में, आपके सरकारी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कहां जाइएगा, मुख्यमंत्री पास, स्टेट गवर्नमेंट पास नहीं जा सकते है ना, ठीक। इसको उसी प्रकार समझेंगे, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको अगर सांप डस लेता है तो आप क्या कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दौड़िएगा या फिलहाल लोकल इलाज ढूंढिएगा? जब लोकल इलाज आपको नहीं हो पाएगा तब आप डिस्ट्रिक्ट जाइएगा ना। आपको पेट में दर्द हो जाए तो क्या
क्या आप डायरेक्ट बड़े अस्पताल चले जाइएगा, क्या आसपास के अस्पताल से कंसल्ट लीजिएगा, मिलिएगा, उसका इलाज चलेगा, तब आप ऊपर जाइएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निजी चीजों की बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार एक ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को होना हमारे अनुसार अहम भूमिका है, एकदम जरूरी है, ये निडली है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दवा आपको जरूरी है, उसी प्रकार आपको लोकल गवर्नमेंट होना मानता है, तभी तो आपका ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। अब बात ये रही कि वो लोकल गवर्नमेंट को आपको ये होना, क्योंकि आपको यहां से लेके इंदिरावास से लेके आपका घर का मकान से लेके सिंचाई संबंधित कुआं से लेके गली के छोटे मोटे रोड से लेके, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं बिजली से लेके और आपका स्टडी के लिए छोटा मोटा स्कूल जो है मिडिल स्कूल उसको लेके, आपका स्वास्थ्य केंद्र को लेके और हॉस्पिटल को लेके, ये सब कौन ठीक ठाक करेगा, ये किसके अंदर देख रेख होगी, छोटी मोटी जमीन के लड़ाई झगड़ा को कौन देखेगा, तो ये लोकल गवर्नमेंट देखता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक नगरीय क्षेत्र। अब बात होती है कि ग्रामीण क्षेत्र क्या है और नगरीय क्षेत्र क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो ग्रामीण इलाके आते हैं और नगरीय यानी जो सिटी आते हैं, ओ दो भागों में, अब ग्रामीण क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको जिला पंचायत बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे जिसको पंचायत समिति बोलते हैं, विलेज लेवल पे जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है, और नगरीय क्षेत्र को हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी, ठीक है, नगर पालिका बोलते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं, ये शहर के अंदर ये आते हैं। इस पे वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, आप उस ग्रामीण रूरल एरिया पे, ठीक है, जिला पंचायत, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, समझिए। तो ये है आपका सिंपल भाषा में लोकल गवर्नमेंट का पार्ट, लेकिन अब ये जानेंगे कि ये किस भाग में पढ़ना है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन 9 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ, प्लस में पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है, किसे कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो आपको बता दें लोकल गवर्नमेंट का जनक जो है सो आपको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि जब ये भारत के वाइस राय थे 1880 से लेकर 1884 तक के भारत के वाइस राय थे, और उसी वक्त 1882 में ही इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल को पास कराए थे, और इसी के वजह से उन्हें भारत के जो है लोकल गवर्नमेंट का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, कौन, लॉर्ड रिपन। याद हमेशा रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत लोकल गवर्नमेंट का जनक किन्हें कहा जाता है, भारत के लोकल गवर्नमेंट का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं, लॉर्ड रिपन, ठीक है। इन्होंने ये बिल कब पास करवाया था, तो 1882 ईस्वी में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आखिर ये लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट कहां से हुआ, तो लोकल गवर्नमेंट का जो चर्चा हम करते हैं, ये फर्स्ट टाइम फोर्ट कोची म्युनिसिपैलिटी में लाया गया था 1664 में, और किसके द्वारा लाया गया था, बाय डच के द्वारा, ये लॉ बनाया गया था डच के द्वारा, ये लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले लाया गया था, ठीक है, कहां पे लागू किया गया था, फोर्ट कोची म्युनिसिपैलिटी 1664 में। इसलिए इसको लागू किया गया था क्योंकि निजी लोगों के लिए, क्योंकि सरकार तो कहीं दूर रहता है, बैठा हुआ रहता है, राजा कहीं पे है और लोकल में क्या हो रहा है देख रेख, तो जो जिस गांव से रिलेटेड रहता था, जिस
समुदाय से रिलेटेड रहता था, उसको वहां का अथी बना दिया जाता था, जमींदार बना दिया जाता था, उसको वहां का पंचायत बना दिया जाता था, ताकि वो लोकल लोगों से असूली कर सके पैसा, ठीक है, और टैक्स असूल सके और सरकार तक पहुंचा सके। यानी कि जस्ट लाइक ये एक नौकर है किनके, सरकार का, जो सरकार ने वहां बैठा रखा। अब बाहरी लोगों को वहां अगर सरकार भेजती है तो हो सकता था कि उसके साथ हादसा हो जाए या उसको ना दे, लेकिन गांव के ही लोग जो है सिर्फ टैक्स को असूल के ले आएंगे। जिसे देखते हैं कि अगर क्लास में बहुत ज्यादा कोई बदमाशी करता है तो उसी को बना देते हैं मॉनिटर कि तुम ही रहो, क्योंकि जब वो उसको बनाएंगे तब तो खुद मॉनिटर है तो कोशिश करेगा कि आमने सामने वाले को हल्ला ना करने दे, ठीक है। जब वो शांत ऑटोमेटिक शांत रहेगा तो पूरा क्लास ही शांत रहेगा। तो पहले भी लोग जानते थे कि बाहरी आदमी अगर वहां टैक्स लेने जाएगा तो नहीं मिलेगा, इसीलिए लोकल आदमी को बना दिया जाता था। तो ये 1664 में डच के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर वो आगे आता है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज अपने आप में एक बहुत ही, ग्राम स्वराज गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये किनके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और ये चाहते थे, इनका ऐसा मानना था कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है अगर उस ग्राम के लोकल लोग जो हैं से कार्य ना करें। कहने मतलब है कि उस गांव का अगर विकास तभी हो सकता है जब वहां के लोकल लोग उस पे पार्टिसिपेट करें और वो अपने अंदर में काम करवाए तो वहां का विकास ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर का मानना था, क्या मानना था, कि ये पंचायती राज जो है अगर आ जाता है तो फिर से हमारा जो समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का समस्या एक ही था उस समय, दलित, पिछड़ों, शोषित, ट्राइबल जितने भी लोग थे वो भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, उनका भी विकास हो, वो भी डेवलप करे। और वो ऐसा मानते थे कि अगर पंचायती राज आ गया तो फिर से बड़े जमींदार या बड़े भूस्वामी ही लोग जो होंगे, जो गांव के बड़े बड़े लोग होंगे वही बन जाएंगे क्या पंचायत और मुखिया, और फिर से जो छोटे लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, और फिर से वहीं के वहीं दबे रह जाएंगे और इस तरह उनका विकास नहीं हो सकता है। तो यहां पे गांधी जी और अंबेडकर में बहस हो गई, बहुत लंबी चौड़ी बहस हो गई, ठीक है। बाद में इसका सोल्यूशन निकाला गया, ठीक है। डीपीएस जो भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, और भाग 4 में पढ़ेंगे भी। तो भाग 4 में ये पढ़ाया है आर्टिकल 40 के तहत, ठीक है, इसको डाल दिया गया, छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट पे कि चलिए आप लोग मत लड़िए भैया, इसको डाल देते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर किसी स्टेट को लगेगा कि हमें अपने यहां लोकल गवर्नमेंट लाना चाहिए तो लाएंगे, और अगर उन्हें नहीं ऐसा लगेगा तो नहीं लाएंगे, समझ रहे ना। तो यही था लोकल गवर्नमेंट का फंडामेंटल। अब यहां तक तो समझ में आ गया, लोकल गवर्नमेंट, ग्राम स्वराज गांधी जी द्वारा चलाया गया था, अंबेडकर और उनके बीच में काफी बहस हुई, उसके बाद फिर ये टेम्प्रोरली, ये मतलब कि टेम्प्रोरली इनको रख दिया गया कि ये इसका काम जो है, मतलब कह सकते हैं रहेगा, कोई फोर्स नहीं है, अगर एस्टेट चाहेगा तो अपना सकता है, नहीं भी चाहेगा तो नहीं, जब जरूरत लगेगा तो एस्टेट अपना सकता है, फोर्स नहीं किया गया, समझ गए। तो यही सब, और ये भी आप जानते हैं कि भारत का पॉलिटिक तो बहुत ही घटिया होते जा रहा है, तो ये जरूरी भी है। तो अभी बहुत सारे स्टेट ने इसको लागू भी किया है, ठीक है, बहुत जगह नहीं भी है, तो
आगे डिस्कस करते हैं। बोलता है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1952 और 2 अक्टूबर 1953 जवाहर लाल नेहरू, ठीक है, बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दोनों कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम चलाया गया था और नेशनल एक्सपेंशन सर्विस चलाया गया था, लेकिन ये दोनों फेल साबित हुआ। जिस सोच से जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था कि कम्युनिटी की किसी समुदाय का विकास हो सके इस नीति के तहत, लेकिन ये दोनों फेल साबित हुआ, ठीक है। तो ये दोनों चलाया तो गया था लेकिन साबित नहीं हो सका, ये कारगर साबित नहीं हुआ। अब बाद में फिर इसे हटा भी दिया गया, ठीक है। अब देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विविधीकरण, यानी इसका मतलब होता है कि लोकतांत्रिक को, लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ शक्ति दिया जाए जिसके तहत वो अपने अंदर कुछ वर्क कर सके। अब सिंपल सा भाषा में आपको हम समझा देते हैं, इनका कहने का मतलब था कि अगर आप किसी को क्लास में, एक आपको एक हिसाब से बता देते हैं, जब आप बचपन में होंगे तो क्लास में मॉनिटर चुना जाता था, अटेंडेंट, और अभी भी चुना जाता है, तो मॉनिटर चुना जाता था, तो मॉनिटर को कुछ शक्ति हम लोग प्रोवाइड करते थे, जैसे प्रिंसिपल स्टेट मान लीजिए, सॉरी सेंट्रल मान लीजिए, टीचर स्टेट मान लीजिए, है ना, और हमने अपने हिसाब से चुन लिया किसको, एक मॉनिटर को, क्लास मॉनिटर। उसका वर्क क्या था, अगर टीचर क्लास में नहीं है तो उसको हम लोग कुछ पावर दे रखे थे कि किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं, मार नहीं सकते बट लिख सकते हैं। आपका पावर है कि कोई भी लेसन बोर्ड पे लिख दीजिए, बच्चे याद करेंगे, उसमें लिख दीजिएगा कि सर आएंगे तो सुनेंगे, कुछ पावर। तो कहने का मतलब कि बलवंत राय मेहता जो थे वो बोले कि इसको बांट दीजिए, ठीक है, पंचायती राज। इसीलिए बलवंत राय मेहता को जो है से पंचायती राज का फादर भी कहा जाता है, ठीक है, इनको फादर ऑफ पंचायती राज किनको कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को, समझ गए ना, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का फादर कौन है। सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का फादर कौन है, तो बलवंत राय मेहता, ये तो समझ में आ गया। आगे पंचायती राज, ये लाए पंचायती राज को 3 हिस्सों में बांट दिए, ठीक है, 1 2 3, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज बोला जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल। तो ये इनका था, ये जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में। अब आगे, और ये अपनाया भी गया, ऐसा नहीं कि अपनाया नहीं गया, ये अपनाया भी गया। राजस्थान वो पहला स्टेट था जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदगरी गांव में पहला पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, मतलब वहां पे बनाया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया के कौन सा स्टेट पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था, तो राजस्थान आएगा, ठीक है। सेकेंड, 1977 को अशोक मेहता समिति, और उस समय थे आपके जो प्राइम मिनिस्टर वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। तो अशोक मेहता समिति क्यों गठन किया गया था, जब ये गठन हुआ तो क्या हुआ ना, कि इसमें जब लागू हुआ, बहुत जगह थोड़ा बहुत लागू होने लगा, तो बड़ा किसी कोई काम सही से नहीं होता था, कुछ शक्तियां नहीं थी उनके पास, मतलब लागू हो गया है ना, पैसा मिल रहा है डेवलपमेंट करने के लिए,
तो भैया जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो डेवलप कैसे होगा। मान लीजिए हम सीएम बना दिए हैं और सीएम के हाथ में कुछ शक्ति ही नहीं देंगे, तो सीएम कैसे डेवलप करेगा। सिंपल भाषा में मॉनिटर बना दिए ना भैया, मॉनिटर बना दिए कि क्लास का मॉनिटर है, और उसको कुछ शक्ति उक्ति नहीं देंगे तो बचपन कैसे डरेगा। दूसरा बच्चा नहीं डरेगा, उसको कुछ शक्ति दे देंगे तब लिखा नाम लिखेगा, और नाम वहां जाएगा तो मार खाएगा, ये दिया है तो याद करना होगा नहीं तो वहां मार खाएगा। तो कुछ ताकत देना, तो इसीलिए इसका गठन किया गया था 1977 में, जिस समय मोरारजी देसाई का सरकार थी, उसी समय पंचायती राज को दो लेवल में इन्होंने बांटा था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक ब्लॉक लेवल। इनके कहने के अनुसार कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे ही वर्क होगा, समझ रहे ना। तो और इनकी ही के अनुसार ये दो लेवल पे बांटा भी गया था, और इन्हीं के अनुसार जो है से आपका ये बात किए थे एससी और एसटी को कुछ आरक्षण दिया जाए ताकि वो भी इसमें भागीदारी ले सके। हालांकि ये चला नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि 1979 को मोरारजी देसाई का सरकार गिर गया, और इनका जो प्लान था, समिति था, वहीं पे बंद हो गया, ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे आता है एलएम सिंघवी 1986 में, उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो राजीव गांधी के समय में ये जो त्रिस्तरीय ढांचा ये भी अपनाए, वही ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल, लेकिन ये बोले कि उनको कुछ अथी दे दिया जाए, पावर दे दिया जाए, जो छोटे मोटे चीजों को वो क्या कर सके, निपटारा कर सके, जैसे छोटा मोटा गांव में लड़ाई हो गया तो उसको सुलझा सके, छोटी मोटी जमीन का लड़ाई झगड़ा तो उसको भी वो निपटारा कर सके, तो उनको कुछ हक दिया जाए, ये लाए। उनके बाद ये आया पी के थुंगन समिति 1988 में, इन्होंने भी इसी ढांचा को बोला कि ये सही है, बस इसमें वुमेन को एससी को एसटी को ओबीसी को जो है सर आरक्षण दिया जाए। ठीक है, ये चारों पर आरक्षण के बाद किया गया कि लोगों का आरक्षण दिया जाए, और गांव का डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस होना जरूरी है, इसलिए वित्त आयोग का भी गठन किया जाए, और उसके बाद उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। तो अभी 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो ये पास करवाने चले गए। तो 1989 में 64th अमेंडमेंट में राजीव गांधी द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहे। ठीक है, बाद में 73rd अमेंडमेंट में जब सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव का, तो पीवी नरसिम्हा राव का जब सरकार थी, आपका 73rd अमेंडमेंट में, तो इसको 12 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित कर दिया गया, मतलब पास हो गया। अब एक वो पास हो गया था, ठीक है, जो उस समय राजीव गांधी द्वारा भी पास कराया गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। ठीक है, सेकेंड में राज्यसभा से भी पास हो गया, और अंत में जब कोई नया कानून बनता है तो आपको पता है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, लास्ट में जब दोनों सभा से पास हो गया तो राष्ट्रपति जी भी हस्ताक्षर कर दिए। अब ये पूर्ण रूप से संवैधानिक हो गया कि अब इसे पूरा देश अपनाएगा और उन्हें अपनाना होगा, और आज के डेट में पूरा देश इसे अपनाया है, और ये ऑल ओवर इंडिया में आपका हो रहा है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में ये अपनाया जा रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं 20 अप्रैल 1993 में पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। 20 अप्रैल को ये राष्ट्रपति द्वारा चलवा 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। तो आखिरकार में पंचायती राज पूरे देश में लागू हो गया। कब लागू हो गया? तो 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी दिन हम लोग 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि
कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आपका होगा क्या, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल, ये आपका आंसर होगा। दूसरी बात, संविधान, ये जितने भी चीज जोड़ा गया वो कहां पे जोड़ा गया, संविधान के भाग लेसन 9 में, ठीक है, आर्टिकल 243 में ए से लेके ओ तक ये सारा चीजों का अमेंडमेंट किया गया, जोड़ा गया उसमें। ठीक है, हमारे संविधान में 12 सूचियां हैं, जिसमें 11वीं सूची में इन्हें विषय दिया गया, सब्जेक्ट दिया गया, 29 विषय वहां पे लिखित है दिया गया, उसमें से आपको क्या है विषय, तो इन्हें किस स्तर का काम करना है। जैसे अपने गली का, हम जो स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं, अपने गली का क्या सड़के को देखना है, सिंचाई के लिए जो पानी व्यवस्था है उसको देखना है, यहां तक कि कृषि पालन और पशुपालन, छोटे उद्योगों को कृषि पालन और पशुपालन छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है, ताकि उनका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, समझ रहे ना। तो कहने को लग ये 29 वहां पे 29 सूची जो है, विषय जो है वो लिखा हुआ है, वो सारे विषय वहां पे लिखे हुए हैं, आपको हम एक दो इसे ही बताएं। शिक्षा से रिलेटेड आपके गांव में जो भी शिक्षा से रिलेटेड, जैसे कि मध्य विद्यालय जो आते हैं, ठीक है, वो सारे विद्यालय, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड, ये सारी सूचियां वहां पे लिखा हुआ है, जिसको कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट करेगा, लोकल गवर्नमेंट के तहत होगा। तो यही था लोकल गवर्नमेंट का छोटा सा हिस्ट्री, ये 73 भाग था। 74 में भी वही चीज आया था आपका, 74 में क्या था, 74 में जो है से आपका सिटी में जोड़ा गया है, ठीक है, 74 में सिटी को भी ले लिया गया। अब क्या था कि गांव को जब विकास हो रहा था तो सिटी को भी जरूरी था ना विकास होने के लिए, तो फिर सिटी को भी बाद में ले लिया। तो ये था टोटल आपको लोकल गवर्नमेंट का संक्षिप्त में विवरण, समझिए, ये पूरा टॉपिक नहीं है बट संक्षिप्त में ये विवरण था। तो आज के क्लास आपका यही पे एंड होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे आपको बताते हैं लोकल गवर्नमेंट का जो 3 पार्ट है, 3 स्टेरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपका ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ये तीनों पार्ट का हमने डिस्कस किया है दूसरे वीडियो में, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।